हम भी तो गांव में चल रहे हैं। जिन अभ्यर्थियों ने भी बिहार में इस एग्जाम को दिया है, ज्यादातर लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, ज्यादातर ये बाहर के लड़कों को ही नौकरी मिलेगी। बिहार के बच्चे जाकर गुजरात में यूपी में मजदूरी करेंगे और यूपी और गुजरात के लोग आकर बिहार में शिक्षक बनेंगे। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1,20,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे, लेकिन अब से कुछ ही दिनों में मैं एक संख्या जारी करूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे सिर्फ 20,000 से 25,000 लोगों को मुश्किल से नौकरी मिली है। ये बड़ा खुलासा मैं कुछ दिनों में करूंगा, आप बस इंतजार करिए। ये तमाम बातें बिहार के प्रसिद्ध चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की है। बता दें कि प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल कल यानी 2 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र वितरण करने वाले हैं नव नियुक्त शिक्षकों को। लगभग 1,20,000 नव नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, जिसे लेकर तैयारियां भी कर ली जा चुकी है। अब ऐसे में विपक्ष लगातार जहां एक तरफ हमलावर है, तो वहीं प्रशांत किशोर ने भी मोर्चा खोल रखा है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है, उनके नियुक्ति पत्र वितरण समारोह पर हमला बोला है। कहा है कि ये सिर्फ दावा कर रहे हैं कि 1,20,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे, लेकिन मैं बता दूं तो मुश्किल से 20,000 से 25,000 लोगों को नौकरी मिली है। और इसके जो असल संख्या है ये मैं कुछ दिनों में जारी भी कर दूंगा, आप बस देखते रहिए। क्या कुछ प्रशांत किशोर का कहना है नियुक्ति पत्र वितरण पर, नीतीश कुमार पर कटाक्ष कसा है, साथ ही साथ नौकरी पर यानी बिहार सरकार के द्वारा दी जा रही नौकरी पर प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है वो सुनवाते हैं। 1,25,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, तो जो नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है वो मिलने दीजिए, लोगों को ज्वाइन करने दीजिए। उसमें कितने लोग बिहार के बाहर के हैं जरा ये भी बता दीजिए। बिहार के कितने लोगों को नौकरी मिली है वो आंकड़ा भी पत्रकार होने के नाते आपको जाकर ढूंढना चाहिए। हम भी तो गाँव में चल रहे हैं। जिन अभ्यर्थियों ने भी बिहार में इस एग्जाम को दिया है, ज्यादातर लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, ज्यादातर ये बाहर के लड़कों को ही नौकरी मिलेगी। बिहार के बच्चे जाकर गुजरात में यूपी में मजदूरी करेंगे और यूपी और गुजरात के लोग आकर बिहार में शिक्षक बनेंगे। ये आपके महागठबंधन सरकार के नीति का परिणाम है। अगर आपको 2,00,000 लोगों को नियुक्ति को बढ़ाया नहीं गया है, ये पहले से जो नियोजित शिक्षक है उसको राज्य कर्मी बनाने का दिया जा रहा है। आप लोग मतलब बिना समझे हुए कोई बात पूछ देते हैं। इस 1,25,000 में नए लोगों को कितनी नौकरी मिली और उन नए में बिहार के कितने हैं, ये पूरा जो एग्जाम है ये नई नौकरी का नहीं है। ये जो पहले से नियोजित शिक्षक थे उनको राज्य कर्मी का दर्जा देने के लिए कुछ लोगों को उसमें अपग्रेड किया जा रहा है और कुछ नए लोगों को नौकरी दी जा रही है। और आप लोग बिल्कुल मूर्ख वाला बात कर रहे हैं कि 1,25,000 आदमी को नौकरी मिल जाए। किस 1,25,000 आदमी को नौकरी मिला उसकी सूची जरा जारी तो कीजिए। अरे भैया देने जा रही, उसमें पहले से वो आदमी शिक्षक है, वो नियोजित शिक्षक के तौर पर था, अब वो राज्यकर्मी के तौर पर शिक्षक बनेगा। एक बड़ा वर्ग उसका है। कुछ जो नए लोग आए उसमें बड़ा वर्ग उन लोगों का है जो बिहार के बाहर का है। तो बिहार से बिहार के लड़कों को, नए लड़कों को बहुत कम संख्या में, अगर 1,25,000 भी आप ले लेंगे तो मुश्किल से उसमें 20-25,000 लोगों को ही नई नौकरी मिली। जो पहले से शिक्षक था उसका जॉब का परिवर्तन हुआ कि पहले वो नियोजित शिक्षक था अब वो राज्यकर्मी के तौर पर शिक्षक हुआ। अगर आप नई नौकरी देने के लिए कह रहे हैं तो वो नौकरी सरकार को जारी करना चाहिए, कितने नए लोगों को नौकरी मिली और उनमें बिहार के कितने लोग हैं। कम से कम सवाल पूछने से पहले आप लोग सब्जेक्ट को पढ़ तो लीजिए। मतलब सरकार, यही तो बिहार की त्रासदी है, कोई ये नहीं पूछ रहा है कि भाई 1,25,000 नए लोगों को नौकरी है या जो पुराने लोग थे उन्हीं का सर्विस कंडीशन बदला जा रहा है। तो ज्यादातर लोग, मैं आपको कैमरे पर कह रहा हूं और जाकर जो अगर सरकार को इसका खंडन करना है तो कर दे, अगर दम है तो करके दिखाए। 1,25,000 लोगों में ज्यादातर लोग वो हैं जो पहले से यहां रोजगार जिनके पास था, जो शिक्षकों के तौर पर काम कर रहे थे, जो नियोजित शिक्षक थे अब वो राज्यकर्मी हो जाएंगे। कुछ नए लोगों को जो नौकरी मिली है उसमें भी ज्यादातर लोग बिहार के बाहर के हैं। तो बिहार के नए लड़कों को जो रोजगार मिलने की बात है वो 1,25,000 नहीं है, वो कुछ हजार है। वो आंकड़ा भी मैं जब एक बार सरकार को नियुक्ति पत्र देने दीजिए तो मैं एग्जैक्ट संख्या भी आपको 2-4 दिन में बता दूंगा।